गाजियाबाद से खबर है जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। अल्पसंख्यकों के मन में डर बैठाया गया है, अल्पसंख्यकों की रक्षा संविधान करता है। ये उनकी बातों का, उनके बयानों का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको बता रहे हैं। हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, सभी के पूर्वज समान है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम की बात भ्रम है, सब एक है। भारत में इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। भारत को विश्वगुरु बनाना दुनिया की आवश्यकता बताई गई है मोहन भागवत के द्वारा। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का ये कार्यक्रम था जिसको संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान दिया है। गाजियाबाद में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचे थे और ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो बड़ी बात है मोहन भागवत के द्वारा जो कही गई है कि सबका डीएनए एक है और जो मौजूदा परिस्थिति में तस्वीर देखने को मिल रही है उस पर बयान देते हुए मोहन भागवत ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के मन में डर बैठाया गया है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाद डीएनए समान है। उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो जो आया है वो आज भी मौजूद है, किसी भी कारण आया हो, लेकिन आया है और रहा है तो मौजूद है। और इस भूमि की परंपरा, यहां के समाज का स्वभाव और इस कारण उसने बनाया संविधान भी उनके यहां के अस्तित्व की गारंटी देता है। पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। पवन, बड़ा बयान दिया संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल बड़ा बयान दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में घटनाएं निकल कर आई थी गाजियाबाद से, खासतौर से उसमें सांप्रदायिकता का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, किसी एक घटना को अलग तरीके से पेश कर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी, उस पर बड़ा कटाक्ष करते हुए मोहन भागवत ने ये साफ तौर पर कहा है कि हम सबका डीएनए एक है, मिलकर साथ पढ़ना है, मिलकर साथ चलना है। अल्पसंख्यक होने बात ये नहीं है कि आप लोगों से डरें या आपको डराया जाए, किसी तरीके के डर के भ्रम में आपको जीने को मजबूर किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर सभी को संबोधित करते हुए कहा है कि पार्टियां आती और जाती रहेंगी, लेकिन हमें मिलकर साथ चलना है और एक अलग भारत का निर्माण करना है, यानी बहुत बड़ी बात है। उन लोगों पर कटाक्ष किया है सीधे तौर पर जो इस तरीके की घटनाओं को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, जो पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को भी मिला, बिल्कुल पवन। और बात सही भी है कि जो चीजें निकलकर सामने आती हैं और जो तथाकथित लोगों को डर लगने लगता है, एकदम से उन्हें लगने लगता है कि संविधान भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा, तो मोहन भागवत का आज का बयान उन सारे भ्रमों को दूर करने वाला है। बिल्कुल ठीक है आपने, देखिए उन सारे धर्मों को ये बयान था और सभी उन लोगों को चेतावनी भी थी इस तरीके से, इसे चेतावनी भी कह सकते हैं कि आप सांप्रदायिकता के माहौल को खराब ना करें, आप इन लोगों को भ्रम में ना डालें और उन लोगों को एक किसी विशेष समुदाय को टारगेट ना करें। और इस तरीके का बयान अपने आप में ये बहुत तीखा हमला भी कहा जा सकता है, और लोगों को समझाने के लिए बहुत सरल भाषा में उन्होंने कहा कि हम सब को मिलकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, और ये भी कहा है कि भारत को विश्वगुरु बनाना होगा दुनिया बचाने के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है।